भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जब ग्राम प्रधान अपना होगा पूरा आपका सपना होगा। ग्राम बम्हूर से भावी कर्मठ संघर्षशील प्रधान पद के प्रत्याशी अब्दुल रहमान पुत्र बद्रे आलम को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। समस्त ग्राम वासियों को क्षेत्र वासियों को रमजान अंबेडकर जयंती व चैत नवमी की शुभकामनाएं। एक बार खिदमत का मौका अवश्य दें। काम किया है काम करूंगा, जनता का सहयोग करूंगा, गरीब और मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहूंगा। आपका अपना प्रधान पद का प्रत्याशी अब्दुल रहमान को अपना कीमती से कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पुलिस द्वारा लोगों को किया गया मास्क वितरित करते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को मास्क वितरित करने का रखा गया कार्यक्रम। पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को दिए गए मास्क। राजधानी दिल्ली में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार भी मुस्तैद है और प्रशासन भी। सरकार द्वारा जहां लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वहीं अब प्रशासन द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जहांगीरपुरी थाने पुलिस ने स्थानीय लोगों को निःशुल्क वितरित मास्क किए हैं और उन्हें यह भी बताया गया है कोरोना वायरस के जो भी नियम और गाइडलाइन लागू किए जा रहे हैं उनका पालन सख्ती से करें। और साथ साथ यह भी हिदायत दी गई है यदि कोई व्यक्ति कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करता हुआ नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लागू की जाएगी। निःशुल्क मास्क को वितरित करते समय दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी जहांगीरपुरी थाने में मौजूद रहे और उन्हीं की देखरेख में मास्क का वितरित कार्यक्रम पूरा किया गया। उप पुलिस और प्रशासन साथ साथ सरकार द्वारा किया जा रहा है प्रयास कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर कितने असरदार साबित होते यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जरूरत है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गाइडलाइन का पालन करे और मास्क का इस्तेमाल करे और समय समय पर हाथों को धोना और सैनिटाइजर करता भी उतना ही उचित है जितना कि हर कोई अपने आप को साथ साथ आस पास के लोगों को भी सुरक्षित रख सके। शर्म नहीं आ रही है थोड़ी बहुत भी आप देख सकते हैं लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं।